Good morning to all of you. Welcome to my YouTube study channel. Dear student, हम 12th क्लास के अंदर अभी तक एक चैप्टर कर चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का। सेकंड चैप्टर के अंदर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट हमने स्टडी किया था और उनका डेरिवेशन हमने लास्ट लेक्चर में किया था। डियर स्टूडेंट, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखें। आज का जो लेक्चर है हमारा, उनमें मैं आप लोगों को दो तीन टॉपिक जो है डिस्कस करवाऊंगा। पहला टॉपिक जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल एंड इक्वेटोरियल और एट एनी पॉइंट। तो आज हम ये टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट टॉपिक में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, इसके लिए जानना जरूरी है। सबसे पहले हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज दैट इज इक्वल्स टू वी इज इक्वल्स टू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये हमने लास्ट लेक्चर तक स्टडी किया था। आज हम नंबर ऑफ चार्जेस लेके आए हैं, जैसे मान लिया Q1, Q2, Q3 एंड Qn। दीज आर रिस्पेक्टिवली प्लेस्ड एट R1, R2, R3, R4 and Rn पोजिशंस। वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। अब किस तरीके से करेंगे? बहुत ही आसान है। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू Q1 चार्ज। जो Q1 चार्ज है उससे पोटेंशियल जो होगा V1 इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं Q1 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 पोजिशन, क्योंकि R1 पोजिशन पे है वो। सिमिलरली अलग अलग जो चार्जेस हैं उनसे भी V2 दैट विल बी इक्वल्स टू Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 एंड V3 Q3 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R3 एंड सो ऑन। Vn इज इक्वल्स टू Qn डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Rn। तो ये आ जाएगा हमारा अलग अलग चार्जेस से। लेकिन हम P पॉइंट के ऊपर नेट पोटेंशियल अगर कैलकुलेट करेंगे तो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल नेट पोटेंशियल एट P कैन बी रिटन एज V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस Vn। इन सब का हम क्या करेंगे? समेशन कर लेंगे या ऐड कर लेंगे इनको, और अगर हम इनको ऐड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आएगी Q1 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 एंड सो ऑन, Qn डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Rn। और इसको भी हम कलेक्टिवली इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डिवाइड बाय R1, Q2 डिवाइड बाय R2 एंड सो ऑन, Qn डिवाइडेड बाय Rn। और समेशन फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं। समेशन फॉर्म में इसको V इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन I इज इक्वल्स टू 1 एंड I इज इक्वल्स टू n, Qi डिवाइडेड बाय Ri। ठीक है, अगर मैं 1 वैल्यू पुट करूंगा I की तो हमारी फर्स्ट टर्म आ जाएगी, 2 पुट करूंगा सेकंड आ जाएगी, 3 पुट करूंगा थर्ड एंड सो ऑन, n पुट करूंगा तो nth टर्म जो है अपने को मिल जाएगी। तो ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डायपोल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डायपोल, अब देखिए इसमें डायपोल में हम एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at axial line of electric dipole. axial line पे हम जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। लेट्स सपोज मेरे पास में अगेन एक इलेक्ट्रिक डायपोल है ऑफ लेंथ 2a, ए एंड बी। यहाँ पे सपोज करो मैंने माइनस क्यू चार्ज रखा है और इस जगह पे प्लस क्यू चार्ज रखा है। मिड पॉइंट इसका ओ है, डायपोल का जो मिड पॉइंट है वो ओ है। ये डिस्टेंस भी हमारा ए, यहाँ से यहाँ तक, और ये डिस्टेंस भी ए है। डायपोल लेंथ हम 2a लेते हैं जनरली, और इस एक्सियल लाइन के ऊपर हमारा कहीं पे पॉइंट है जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। लेट्स सपोज ये पॉइंट है एक्स पॉइंट, वेयर वी वांट टू कैलकुलेट नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डायपोल में हमारे पास दो चार्ज हैं, मैग्नीट्यूड सेम है बट नेचर अपोजिट है। तो हम इस पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले डायपोल मोमेंट कितना है इसका, P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a, ये हम स्टडी कर चुके हैं पहले। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ड्यू टू चार्ज एट a ऑन x पॉइंट, x पॉइंट जो है हमारा एक्सियल लाइन के ऊपर है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसकी वजह से जो बनेगा va मैं कह देता हूं, a पॉइंट पे जो चार्ज है उससे, और वो पोटेंशियल मैं नेगेटिव ले रहा हूं क्योंकि माइनस चार्ज है, q अपॉन 4πε0 और a इंटू एक्स, ax डिस्टेंस आ जाएगा। a से x तक का जो टोटल डिस्टेंस है वो आ जाएगा। अब आप लोगों को पता है यहां से यहां तक जो x डिस्टेंस है इसको हम r कंसिडर कर लेते हैं, और अब a से अगर x तक का डिस्टेंस देखेंगे तो प्लस a और हो जाएगा इसमें। सो va इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू डिवाइड बाय 4πε0 और r प्लस a, ये आ जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन जो नेगेटिव चार्ज है उसके लिए नेगेटिव पोटेंशियल और पॉजिटिव चार्ज के लिए पॉजिटिव पोटेंशियल। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट x पॉइंट ड्यू टू चार्ज एट b। अब b पॉइंट पे चार्ज हमारा कैसा था, पॉजिटिव चार्ज था। अब इससे इस पॉइंट के ऊपर हम पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। सो vb दैट विल बी इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4πε0। अब ये जो डिस्टेंस है जरा आप देखिए, bx होगा, bx, तो bx कितना होगा r माइनस a। ये a माइनस कर दोगे तो ये b पॉइंट से डिस्टेंस हो जाएगा, तो r माइनस a, r माइनस a, ये हो गया हमारा इससे पोटेंशियल। अब नेट पोटेंशियल हम बात करेंगे, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट x पॉइंट दैट विल बी इक्वल टू v इज इक्वल टू va प्लस vb। तो va प्लस vb को हम ऐड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा माइनस ऑफ क्यू अपॉन 4πε0 r प्लस a और प्लस क्यू डिवाइड बाय 4πε0 r माइनस a। और यू कैन से दैट v इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0 और यहाँ पे आ जाएगा r माइनस a माइनस 1 अपॉन r प्लस a। और इन दिस वे q अपॉन 4πε0 और यहाँ पे एलसीएम आपका r माइनस a इंटू r प्लस a, यहाँ आ जाएगा r प्लस a माइनस प्लस a। सो r विल गेट कैंसिल और टर्म जो हमारी आ जाएगी यहाँ 2a बच गया, q इंटू 2a डिवाइडेड बाई 4πε0 a माइनस b a प्लस b, सो r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये टर्म आ जाएगी। q इंटू 2a, ये क्या होता है, ये हमें पता है डायपोल मोमेंट था, v इज इक्वल टू p अपॉन 4πε0 r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये टर्म आ जाएगी टोटल पोटेंशियल एक्सियल लाइन के ऊपर। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा ये। डियर स्टूडेंट, मैंने जो फर्स्ट चैप्टर करवाया था इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसका पीडीएफ जो है आप लोगों को मिल जाएगा। मैं आप लोगों को उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में भेज रहा हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट में हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। तो डियर स्टूडेंट, अभी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाह रहे हैं इक्वेटोरियल लाइन पे। मैं आपको पहले ही बता दूं, इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है इलेक्ट्रिक डायपोल से हमेशा जीरो होता है। ठीक है, तो फिर भी हम करके देखते हैं। अगेन आपको पता डायपोल मोमेंट कितना था, डायपोल मोमेंट जो है हमने स्टडी किया इलेक्ट्रिक डायपोल का, P इक्वल्स टू Q इंटू 2A। सबसे पहले हम बात करते हैं, अभी जैसे ये मैंने एक फिगर बना रखी है, ये हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल है AB, जिसमें A पॉइंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और B पॉइंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। मैग्नीट्यूड सेम होता है डायपोल के अंदर, मिड पॉइंट O है, तो जो डायपोल लेंथ होती है वो हमेशा 2A होती है, A प्लस A2A। मिड पॉइंट से R डिस्टेंस के ऊपर कोई X पॉइंट है इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर, या कह सकते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर X पॉइंट है, तो उस पॉइंट के ऊपर हम क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो चलो कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट X ड्यू टू चार्ज एट A। ए पॉइंट पे जो चार्ज है उसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा वी ए इज इक्वल्स टू, अब चूंकि यहाँ पे माइनस क्यू है चार्ज तो नेगेटिव होगा पोटेंशियल, सो माइनस ऑफ क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जो डिस्टेंस आएगा वो ए एक्स आएगा। अब ए एक्स कितना होगा, देखो ये परपेंडिकुलर यहाँ पे ये ए ये आर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो वैल्यू हम रख देते हैं वी ए इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और अंडर रूट दैट मीन्स 1/2 पावर हो जाएगी। तो ये है वी ए पोटेंशियल एट एक्स, ठीक है, ड्यू टू चार्ज एट ए पॉइंट। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्स ड्यू टू चार्ज एट बी। बी पॉइंट पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, तो पोटेंशियल जो उससे बनेगा वी बी इज इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डिस्टेंस अगेन इसमें बी एक्स होगा, और बी एक्स की वैल्यू आपको पता है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इसकी पावर 1/2। तो नेट पोटेंशियल कितना होगा, नेट पोटेंशियल एट एक्स पॉइंट, एक्स पॉइंट हमारा इक्विटोरियल लाइन के ऊपर है, सो वी इज इक्वल टू अगेन वी ए प्लस वी बी होगा। अब वैल्यू सेम है वी ए और वी बी की, बस नेगेटिव चार्ज से नेगेटिव पोटेंशियल और पॉजिटिव चार्ज से पॉजिटिव पोटेंशियल। तो जो पोटेंशियल आएगा वो लिख लेते हैं माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेस्ट टू द पावर 1/2 प्लस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेस्ट टू द पावर 1/2, और ये सेम वैल्यू है, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगी। सो वी इज इक्वल टू आ जाएगा पोटेंशियल इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारा पोटेंशियल है 0। यहाँ बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है अराइज होता है, कई बार क्या होता है कि आपको ऐसे दे देता है कि किसी टेस्ट चार्ज को इक्विटोरियल लाइन के ऊपर, ठीक है, ये जैसे हमारा फिगर था, यहाँ मैंने कोई टेस्ट चार्ज रख के इसको हम मूव करवा रहे हैं इक्विटोरियल लाइन के ऊपर, ठीक है। यहाँ से उठा करके मैं यहाँ ले गया टेस्ट चार्ज को या यूनिट चार्ज को, यहाँ कहीं पे भी इक्विटोरियल लाइन पे हम कहीं पे भी लेके जा रहे हैं, तो पोटेंशियल सेम होगा और उसकी वैल्यू कितनी है 0। तो यहाँ से मैं उठा करके किसी चार्ज को और यहाँ लेके आ रहा हूँ, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, 0 - 0 0 ही होगा। तो वर्क डन क्या होता है, W इक्वल्स टू Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट का, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो वर्क डन क्या होगा 0। ये याद रहे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कई बार 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं उनमें भी इसको दे देते हैं। किसी भी चार्ज को इक्विटोरियल लाइन पे मूव करवाने के लिए जो वर्क डन होगा, इक्विटोरियल लाइन यानी किसका, इलेक्ट्रिक डायपोल का, इलेक्ट्रिक डायपोल के इक्विटोरियल लाइन के ऊपर किसी भी चार्ज को मूव करवाने के लिए जो वर्क डन चाहिए वो होता है 0, ठीक है। तो ये आप लोगों को आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मेरी अभी कोशिश ये रहेगी कि अभी जितने भी मैं आप लोगों को यहाँ नोट्स करवाता हूँ या आपको पढ़ा रहा हूँ, तो जो नोट्स प्रिपेयर हो रहे हैं इसका मैं आप लोगों को PDF जो है आपको प्रोवाइड कर दिया करूँगा। तो आज के लेक्चर छोड़कर के पीछे के जो लेक्चर हैं उनमें जो जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हमने किए थे उसका मैंने PDF जो है लिंक आज की वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वह आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो नेक्स्ट चलते हैं हम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। अभी हमारा जो एक्स पॉइंट है वो ना एक्सियल पे आ रहा है और ना ही इक्विटोरियल लाइन पे आ रहा है, वो कहीं पे भी हो सकता है। तो अब हम उसके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंडशिप सर्किल में, ताकि सबको जो है इसका प्रॉफिट मिल सके। तो हम बात कर लेते हैं अगेन, ये जो हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल है ए बी, ए पॉइंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, बी पॉइंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जो डायपोल की लेंथ है 2A है, मिड पॉइंट से ए इधर और ए इधर, यहाँ से मिड पॉइंट से आर डिस्टेंस के ऊपर एक्स पॉइंट है हमारा एट एन एंगल थीटा विद डायपोल। ठीक है, तो अगर ये ए है तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ये मैंने ए कोस थीटा बना लिया, और ये अगर ए है तो इसका ए कोस थीटा इधर, ठीक है, क्योंकि ये इक्वल एंड अपोजिट बनेगा एंगल। मैंने यहाँ पे क्या किया, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा किया है, ओ पॉइंट से एक्स तक का डिस्टेंस है आर। अब मैंने इसको आगे प्रोड्यूस कर लिया थोड़ा, ठीक है, इसको एम पॉइंट तक प्रोड्यूस कर लिया, इसको ये एन पॉइंट है सपोज करो, तो मैंने ओ से एम पॉइंट तक इसको प्रोड्यूस किया और यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल लिया, ठीक है, ए एम जो है परपेंडिकुलर ऑन एम ओ। इसी तरीके से मैंने बी एन परपेंडिकुलर डाल दिया ओ एक्स के ऊपर, ठीक है। तो ये किया क्यों है इसकी भी मैं वजह आपको बताऊंगा। चलो हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट हमने स्टडी किया था P इक्वल्स टू Q इंटू 2A। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं X पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एट X ड्यू टू चार्ज एट A पॉइंट। ए पॉइंट पे जो चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी ए मैं लिख देता हूं, दैट विल बी इक्वल्स टू, चार्ज है हमारे पास नेगेटिव तो नेगेटिव चार्ज मैं लूंगा इसको, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डिस्टेंस जो आएगा वो आएगा ए से एक्स, ए एक्स। अब आपको ये ए एक्स डिस्टेंस एक्चुअल में नहीं पता, ये डिस्टेंस पता है ओ से एक्स आर है। तो मैंने यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन की थी, ओ एक्स को प्रोड्यूस किया था एम तक, ठीक है, तो ये m तक जब प्रोड्यूस किया तो ऑलमोस्ट मैं ये कह सकता हूं कि ax इज ऑलमोस्ट इक्वल टू mx, परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं जो ax है इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू mx, ठीक है, और विच इज mx इज इक्वल टू, mx कितना है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस r है तो प्लस a कोस थीटा और हो जाएगा, तो हम लिख देंगे r प्लस a कोस ऑफ थीटा, ठीक है। सिमिलरली एक और पॉइंट हमने किया ऐसे ही, सिमिलरली जो है आपका bx आपको नहीं पता है तो bx इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू हो जाएगा nx, और nx की वैल्यू कितनी है r, यहां से यहां तक r है, r माइनस a cos थीटा, a cos ऑफ थीटा। ये चीज जो है हमने कंस्ट्रक्शन इसीलिए की थी। अब ax की वैल्यू अपने को नहीं पता थी, अब पता चल गई है, ठीक है। तो अभी va क्या हो जाएगा, va इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ax की वैल्यू हमारी कितनी है, ax इज इक्वल टू आर प्लस ए कॉस ऑफ थीटा, ये बन जाएगी, ये va है। इसी तरीके से अब नेक्स्ट चलते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट x ड्यू टू चार्ज एट b, ठीक है, बी पॉइंट पे जो चार्ज है उसकी वजह से। अब इसको वी बी इज इक्वल्स टू मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, वी बी इज इक्वल्स टू आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, ठीक है, डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहां जो डिस्टेंस मैंने आपको बताया बी एक्स होगा, ये डिस्टेंस बी एक्स है, और बी एक्स किसके इक्वल आया है, एन एक्स के इक्वल आया, तो एन एक्स मैंने कहा था आर माइनस ए कोस थीटा, तो ये भी इतना ही होगा, तो मैं यहां लिख देता हूं आर माइनस ए कॉस ऑफ थीटा। अब नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा, नेट पोटेंशियल एट एक्स, ठीक है, वो कितना आ जाएगा, वी इज इक्वल टू वी ए प्लस वी बी। वी ए और वी बी में आपको कुछ कॉमन नजर आ रहा है, वो है क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, और अंदर जो टर्म रह जाएगी वो रह जाएगी 1 अपॉन आर माइनस ए कोस ऑफ थीटा, और वो माइनस की आएगी 1 अपॉन आर प्लस ए कोस ऑफ थीटा। अब सिंपल कैलकुलेशन है यहां पे, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये टर्म आ जाएगी एज इट इज आर माइनस ए कोस ऑफ थीटा इंटू आर प्लस ए कोस ऑफ थीटा। अब यहां r प्लस ए कोस ऑफ थीटा एलसीएम ले लिया हमने, माइनस ये टर्म माइनस हो जाएगी r, और ये टर्म बन जाएगी प्लस की a कोस ऑफ थीटा। अब r विल गेट कैंसिल, तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, देखिए q इंटू 2a कोस ऑफ थीटा, क्योंकि a कोस थीटा प्लस a कोस थीटा, 2a कोस ऑफ थीटा बन जाएगी टर्म, ठीक है। सो v इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ हमारे पास रह गया 2a कोस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय, देखिए ये टर्म में r माइनस a कोस ऑफ थीटा r प्लस a कोस ऑफ थीटा, a माइनस b a प्लस b क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अभी इसमें भी हम इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं, q इंटू 2a कोस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब ये टर्म क्या है आपकी P, ये किसको रिप्रेजेंट करती है P को, डायपोल मोमेंट। सो V इज इक्वल टू P कोस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा जो है एक्चुअल में क्या आ गया, नेट पोटेंशियल आ गया एक्स पॉइंट के ऊपर। ठीक है, अब देखिए नेट जो पोटेंशियल आया है इसको भी थोड़ा सा और मॉडिफाई मैं अगर करूं तो इफ आइडियल डायपोल का केस कंसीडर करें, इफ आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए सो ए कैन बी नेग्लेक्टेड, ए कैन बी नेग्लेक्टेड। और ए को अगर नेग्लेक्ट करेंगे तो हमारी ये टर्म जो है वैनिश हो जाएगी यहां से। सो वी जो बचेगा वी इक्वल टू पी कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा पोटेंशियल। अब एक चीज ये भी याद रखिए, आपको याद होगा कि पोटेंशियल जनरली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस आता है। ठीक है, तो अभी ये जो आपको समझ आया है इसी के साथ में मान लिया अगर आपको थीटा की वैल्यू जो है, हम स्पेशल केसेस अगर डिस्कस करें इसके, फर्स्ट इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री दैट इज एक्स इज एट एक्सियल पॉइंट, एक्स पॉइंट हमारा एक्सियल पॉइंट पे हो, एक्सियल डिस्टेंस पे हो। ठीक है, अब एक्सियल पॉइंट पे होगा तो आपको पता है कि वहां पे v इज इक्वल टू पी इंटू कोस ऑफ 0 डिग्री डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। कोस जीरो पता है हमें, v कोस जीरो होता है 1, सो p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये आ जाएगा पोटेंशियल किस पे, एक्सियल पे, हमने कैलकुलेट भी किया था। और अगर हम इक्वेटोरियल की बात करें, सेकंड केस इक्वेटोरियल लाइन पे, यानी थीटा क्या हो जाए, थीटा हो जाए हमारा 90 डिग्री दैट इज एक्स इज एट इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन। तो इक्वेटोरियल लाइन पे होगा तो वी इक्वेटोरियल हम कितना आएगा, ये आ जाएगा पी कोस ऑफ 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। और कोस 90 आपको पता है 0 होता है, तो इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर पोटेंशियल जो है 0 होता है। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये जो डेरिवेशंस मैंने आपको करवाए हैं आप अच्छे से अपने नोटबुक में इनको प्रिपेयर कर लीजिए अपनी, और जो भी क्वेश्चन अराइज होता है वो जरूर आस्क कीजिए, पूछिए मेरे से। ठीक है, और जब भी किसी भी मेथड से आप, चाहे वो कमेंट सेक्शन में जा करके या फिर व्हाट्सएप से आप मुझसे पूछ सकते हो। लेकिन डियर स्टूडेंट, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब उतना नहीं कर रहे हो, उतना जो है लोगों तक शेयर नहीं कर रहे हो जितना मुझे चाहिए, क्योंकि आपसे ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप इस चीज़ में वीक रहोगे तो मुझे जो है इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आएगा आप लोगों को यहाँ इतना डिटेल में जा करके न्यूमेरिकल और डेरिवेशन सब चीज़ करवाने में। मैं भी फिर जो है और लोगों की तरह सिलेक्टेड टॉपिक करवा दूंगा और आप फिर परेशान होगे। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, गुड लक।